लोग जो है अपने भेड़ों को चरा रहे हैं, इतनी टनटनाती धूप है, आप देख रहे हैं चारों तरफ भेड़ देख रहे हैं। भैया ये बताओ धूप ना लगे तो आपके? धूप तो लगता ही बात, कहाँ कहेगी चरा ही नहीं यार। अच्छा भैया इस समय गर्मी में सब ज़्यादा दिक्कत हो थोड़ी, चारा वगैरह कम मिलत हो? चारा पानी सब ना मिलता। तो आप सुबह निकल जाते हो? 10 बजे निकल जाए। अच्छा भैया एक चीज़ बताओ भाई, भेड़ जैसे इतने ज़्यादा दूरी जने है तो बहरों में कौन दिक्कत ना होता है? ना है दिक्कत कुछ ना है। कैसे आप पता चल जाते हैं मतलब कि कौन वाला है? जैसे काफी देखा कुछ उधर निकल जाए कुछ उधर निकल जाते हैं, दिखात बाने कहाँ दिखाता देखा कैसे निकल जाए सब अब देखा जाते ना। अच्छा भैया एक चीज़ बताओ, सड़के उड़के जब ले जाते हैं आप सब, तब अगर जब पीछे आगे से आवा तो आरामदायक जाते हैं, लेकिन जब पीछे से आवा तो तकलीफ बहुत तकलीफ होती है। एक रास्ता ना बने कौन रास्ता ना क्योंकि उतार नहीं सड़क तब जाकर सही कहा। अच्छा भैया ये चीज़ बतावा, आप कब से कितना दिन से काम कर रहे हैं? बहुत दिन से, बचपना से। अब तो देखा था भैया, देखिए इस आपने पाल है, पाल बिरादरी में पहले तो बहुत ज्यादा लोग करते थे काम, धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं, मतलब जो अब चराना नहीं चाहते। अब समझ गया हमारे सबके हैं चलत अब करीब खत्म। तो भैया आपके घर कहाँ पड़े? डमरुआ। डमरुआ बताओ, इतना धूप में जब पानी ले रहा थे ना कुछ पानी ले रहा है, पानी गर्म हो गए, पानी गर्म हो जाके ले ले गांव। तो दोस्तों देखिए तो भैया खेती बाड़ी मुख्य खेती बाड़ी आप सब ये है? हाँ खेती बाड़ी बटबो की। कितना भेड़ साहब आप पास हुई कुल? समझ लिया 200 हुई है, 200 करीब करीब। पहले साहब ये जमाना रहा है कि लोग बैठवा में खेत होते में कुछ, अब ना कब बैठोते ना ही बहुत कम, बहुत कम ना, बहुत कम लोग। पहले लोग खाली ना रहते हैं कि नंबर लगा पड़े, पहले नंबर लगा मार हो जाए, अब तो बहुत कम हो। तो भैया आप कई भाई हैं? हम है 6 भाई। 6 भाई तो 2 लोग हैं ये भतीज है। अच्छा भतीज हैं, तो और भाई लोग सब घर हैं परदेश हैं? अच्छा मतलब मुख्य काम ये वाला आप ही करते हैं और भाई लोग दूसर दूसर काम करते हैं। अच्छा भाई ये बतावा जैसे भेड़ बाल और काटे खुद है, ये का खुद काटे वाले आवा थे? खुद काट ले, खुदे काट लेते हैं, काट ले। तो अंदाज अच्छा जैसे 200 भेड़ बा तो कुछ बच्चों भी देते होगा? बच्चा भी जा गया है। तो एक मोटा मोटी अंदाज जैसे अगर क्यों इतना भेड़ बाए कर बतावे, अगर मान के 10 रखे बा साल भर में 2000 बचाए ले, न्याय बिल्कुल बचाए ले ना। आप मतलब कैसे घर खेती बाड़ी ब्या? हाँ हाँ तो बस जरूरी है ना खेती बाड़ी ब्या तो अपन तेल भून कर ले। अच्छा भैया कौन कौन सीजन में अगर मान लें नया आप बाहर निकाला मान लो कौन कारण से, तब तो इतना चारा कैसे खाए उस दिन? ना निकारे पर्व करे, एक बात बता दे तो हैं दुआरे मैयत करी रहा था लेकिन इन्हें ठहराव पर्व करे। अच्छा हाँ मतलब कौनों भी दशा में आपके लेक जाए पर्व अगर एक ना दो जने जहीं ले जाए जरूर जाए। अच्छा भैया बताओ जैसे मान लो कौनों भेड़ कुछ कम सही बा, जैसे मान तबीयत ना सही बा, आपके तुरंत पता चल जाते? बिल्कुल पता चल तुरंत तुरंत तुरंत। अब वहाँ जैसे बाटी सब भेड़ हैं दूसरे वहाँ, अब वहाँ ये कौनों गड़बड़ाई हैं तुरंत 10 मिनट 5 मिनट में पता चल जाए। और एक चीज़ भाई जैसे पहले कुछ बच्चा उच्चा दे दी ले रहे खाँचा वगैरह कुछ ले रहते हैं, अब लोग जान रहते हैं ऐसा कौन सा मिशन आएगा नहीं तो सब ले रहते हैं ना खाँचा तो ना ले रहते रहे ना, लेकिन बच्चा जब दे दिए घंटा दो घंटा में पी खा ले तो घर पहुँचा दे नहीं घूम कर लिया जाए बुला लिया जाए ले यही लड़के उठा ले जाइए चला जाए घर। अच्छा मुकर अब देखें ये हमें एक चीज़ बतावें लास्ट में, हम अपने चैनल पे डाली थे पंचदीप मौर्य वाला हमारा चैनल है, हमारे वह डमरू है कहाँ डमरुआ मार घर हो बाजार के पास मौर्य बस्ती में प्राइमरी स्कूल पंचदीप मौर्य पंचदीप मौर्य। तो हम आप देखे थम के भाई हमें बताओ पुराने का नाम बताओ हमें श्री झगड़ू राम मौर्य झगड़ू हाँ झगड़ू खमना है। तो दोस्तों देखिए पुराने ज़माने के जानते होंगे हमारे दादा दादी को पिताजी को, तो हम करीब करीब आपको दिखा दें, ऐसा ब्लॉग आपको अच्छा लगे जरूर देखिए। तो भैया आप खुशहाल है ना? हाँ। अच्छा कुछ जने कहते हैं जैसे जो तो हमारे गाँव में डमरुआ हाँ भाई डमरुआ तो बहुत फेमस हो के ना जनता ही। तो दोस्तों देखिए धूप में कितना मेहनत करके इनके एक भतीजे आपको एक बार पुनः दिखा दे, देखिए ये सब जो है भेड़ है एक भतीजे के चला रहे धूप में छाता होता ले लिया करे का छाता होता अगर लिए रहा तो कुछ आसानी आसानी आवे लेकिन छाता ना लिया रहा।
वास्तव में बहुत आप लोग मेहनत करते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाते, तब तक लिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद।